हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और आज ये इस समय 11 तारीख होने वाली है, बस 12 बजने ही वाले हैं। तो उससे पहले मैं रात में ये छोले भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि आज 11 तारीख को हस्बैंड का बर्थडे है। तो उसके लिए मैंने ये रात में ही छोले भिगो के रख दिए हैं, और 12 बजते ही अब हम हस्बैंड को करने जा रहे हैं विश। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और इस समय जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने चाय चढ़ा दी है बनाने के लिए, और आज है हस्बैंड का बर्थडे, तो उनके लिए मैंने आज छोला जो है उसको भिगो के रखा हुआ है। तो ये है छोला, जिसको मैंने आधा किलो छोला है पूरा रात में भिगो के रखा था, और सोच रही हूँ भटूरा और छोले भटूरे मतलब बना लूँगी दोपहर के खाने में। और कल 2 लीटर दूध मैंने उबालने के लिए रात में चढ़ाया था, तो वो पूरा का पूरा दूध मेरा फट गया था, तो उसका मैंने पनीर निकाला है। और देखती हूँ फिर, अगर नहीं तो आज नहीं तो उसका पनीर तो मैं कल वल बना लूँगी, क्योंकि छोला भटूरा बन ही रहा है, तो उसके साथ में फिर पनीर बनाऊँ तो बना तो सकती हैं, पर हस्बैंड कह रहे थे ज़्यादा तीमझाम बिल्कुल मत करना आज बिल्कुल भी, और हल्का फुल्का जो भी तुम्हारा मन हो तो बना लो, नहीं तो कुछ ना बनाओ, बाहर कुछ खा पी लिया जाएगा या कुछ घर में ले आएंगे बाहर से। पर फिर भी मैंने कहा नहीं, घर में एकदम से बिल्कुल सन्नाटा नहीं रखूँगी, किचन में कुछ तो बनाऊँगी ही, तो मैंने छोला भिगो दिया था। तो चलिए अब मैं काम शुरू करती हूँ, अभी तो फिलहाल नाश्ता की तैयारी करती हूँ शुरू। और हाँ, नाश्ते में कल हस्बैंड ने कल अपने आप ही फरमाइश करी थी उत्पम बनाने के लिए, तो मैंने ये रवा जो है उसको भिगो दिया, इसमें थोड़ा सा मट्ठा डाल के और नमक डाल के भिगो के रख दिया है। अब इसमें मैं प्याज और टमाटर वगैरह डालकर अच्छे से उत्पम बनाऊँगी, तो फिर वो बनाती हूँ नाश्ते में हस्बैंड के लिए, उनकी मन की इच्छा है। तो ये मेरे जो छोले हैं, ये देखिए, ये रात भर मैंने फुलाए थे और अब ये फूल गए हैं, तो मैंने ये कुकर में डाल के चढ़ा दिया है। और अब इसमें मैं ये नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, और इसी में मैं अब चुटकी भर हल्दी डालूँगी। ये देखिए, ये चुटकी भर हल्दी डाली है मैंने, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, वो डाल दूँगी। और अब मैं इसमें ये ज़रा सा चुटकी भर सोडा डाल रही हूँ, और अब मैं इसका कुकर बंद कर दूँगी ढक्कन। तो अब मैं खाने में बनाने लग गई हूँ अब इस समय पुलाव, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि जब छोले बना रही हो और भटूरे बना रही हो तो उसके साथ में पुलाव भी बना लो, क्योंकि उनको जीरा राइस काफ़ी पसंद है। तो फिर मैंने लेके फटाफट जीरा राइस छौंक दिया कुकर में, इसमें मैंने तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग ये सब डाल दिया था, और बहुत ही जल्दी और फटाफट बन जाता है पुलाव, तो उनके मन का मैंने फिर ये पुलाव भी बना लिया है। और उसके बाद में अब मैं अपने जो भी किचन के काम हैं वो धीरे धीरे करके निपटाती जा रही हूँ, और जो रोटी है मैंने कहा वो भी फिर मैं दोपहर में रोटी खिलाऊंगी और शाम को बनाऊंगी भटूरे, क्योंकि दोनों टाइम फिर मैदा खाने का मन नहीं करता है। तो अब मैं फटाफट रोटियां सेकने शुरू कर दिए मैंने गरम गरम, और अब दोपहर के खाने में लंच में हम लोग ये रोटी, छोला और जो पुलाव है वो खाएंगे। देखें ग्रीन, आज ग्रीन ग्रीन नेचुरोपैथिक लाइफ।
तो जैसे कि अभी आपने देखा कि सीता ये लेकर आई थी बाबा के साथ में आपने केक, तो ये केक हम लोग शाम को काटेंगे। उससे पहले मैंने कहा यहाँ पर बहुत सारे कपड़े का काम फैला हुआ था, आजकल सर्दी आ गई है तो सर्दियों में सब थोड़े बहुत कपड़े भी निकल गए हैं सर्दी के, तो मुझे सब कपड़ों को समेटना था। तो उससे पहले जो धुले हुए कपड़े थे मैंने कहा वो सुखा देती हूँ, और जो भी ऊनी कपड़े हैं और फुल आस्तीन के कपड़े हैं अथर्व के सीता के, तो मैंने कहा उनको भी मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि अब जो गर्मी वाले समर के कपड़े हैं वो नहीं जा रहे हैं, तो मैं उनको सबको उठा के रख दूंगी, और जो विंटर के कपड़े हैं वो मैं सब अलमारियों में फिर से सेट कर दूंगी। अब आजकल इस तरीके से काम भी बहुत फैल जाता है कपड़ों का, जब आपकी सर्दी आ गई है। तो ये देखिए, ये जितनी भी हाफ नेकरे हैं वो अथर्व की, और जितने भी कपड़े हैं हाफ वो मैं हटा दूंगी सीता के और अथर्व के, और जो भी ये फुल आस्तीन के कपड़े हैं मैं वो सब अपना तय कर करके अलमारियों में सेट करती जा रही हूँ, सेक्शन वाइज के जो भी कपड़े हैं वो सबके आराम से मिल जाएँ, और मेरे और इनके जो भी कपड़े जो प्रेस होने हैं जो हटा देती हूँ मैं, अलग कर देती हूँ। सब कपड़ों का अलग अलग मैंने लाइन बना रखी है, सेक्शंस बना रखे हैं, तो वो मैं वैसे डिवाइड करती रहती हूँ। और उसके बाद में अब ये देखिए सफाई हो गई है, कितना कपड़े मैनेज होने के बाद में एकदम से लुक बदल जाता है। और यहाँ पे बगल में हैंगर है, हैंगर में मेरे कपड़े सब सूखे हुए हैं, तो इस तरीके से मैंने ये मैनेज किया। जो भी कपड़े मुझे हटाने हैं वो मैंने अलग निकाल के रख दिए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं जैसे कि जो कि अब यूज़ नहीं होने वाले हैं, ये इस टाइप के हैं, ये गद्दी वगैरह के कपड़े जो अथर्व के लिए बिछाने के लिए यूज़ होते थे वो अब यूज़ नहीं होते हैं। और नीचे जो रखे हैं कपड़े, ये सब कपड़े हाफ हैं जो बच्चों के हैं, तो अब मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको अलग कर दे रही हूँ। इनको मैं एक बैग में बांध के रख दूँगी, जब गर्मी का सीज़न आएगा तब ये मैं गर्मी में यूज़ कर लूँगी कपड़े। तो ये देखिए इस टाइप के, ये सीता की हाफ कपड़े हैं टी शर्ट्स वगैरह, और ये सब अथर्व के जितने भी हाफ नेकर टी शर्ट जो भी हैं वो सब मैंने इसमें पैक करके रख दिया है, अभी रख दिया है झोले में, अभी पैक करूँगी इसको मैं। तो ये देखिए, ये बर्थडे बॉय आ गए हैं और अपने केक कटिंग के लिए तैयारी में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब केक कटिंग करने जा रहे हैं, काफ़ी रात हो गई थी केक कटिंग करने में, 10:30 करीब बज गए थे, क्योंकि शॉप वगैरह बढ़ाने के बाद ही हम लोगों ने केक काटा था। पापा का बर्थडे है, फूको ना उधर से, इधर से फूको ना, इधर जाना है, लो ये अच्छा गुंडा है। तुम्हारा गिफ्ट है मेरे पास, चिंता करो। उधर जाओ इसका, पापा के पास जाओ। वैसे केक अच्छा है, पापा खिला दे तुम भी। खाने चक्कर हम सीख गए, आप लोग भी खाइए। ये पापा का बर्थडे, पापा का बर्थडे है। मोम डैडी का।
लो लो भाई, तिलक लगाए मेरे पापा के अपने। ए, इसको यूं करो, ए, देखो यूं पकड़ो, हम पकड़े हैं, तुम रहने दो, यूं लगाओ तिलक यहाँ सीधे ऐसे। चलो ठीक बस, अभी चावल चावल लगाओ। ये आपके बाबा बन के आया तो नहीं आया है, हैं? यूं करके यूं, ये आपका बाबा बन के आया है आपके, पर गिफ्ट दो। नमस्ते बाबा जी। ये नए जमाने के बाबा जी, गिफ्ट तो दीजिए, गिफ्ट हटो तो। मैं मतलब गिफ्ट नहीं दोगे, मेरा मेरा गिफ्ट नहीं दे दोगे, मेरा कटोरी लिया बाबा जी, बाबा जी गिफ्ट दे दीजिए, गिफ्ट दे दो ना, वो मेरा गिफ्ट पहले पूछ चुका है। तो इसी तरीके से आज का ये सेलिब्रेशन रहा घर में, और हम लोगों ने अपना बहुत ही सिंपल सा आज सेलिब्रेशन किया था घर में, बस घर में छोला भटूरा ही बना लिया था और वो खा लिया गया था, और मीठे में रसमलाई मंगवा ली थी, तो हम लोगों ने सब ने मिल बाँट के खा पी लिया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके ज़रूर जाइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में अगले सेलिब्रेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।